आ रहा है आप, बढ़ाना चाह रहे हैं आप, बढ़ाना का तरकीब भी आ लगी है थोड़ी थोड़ी। अब मतलब करना 1 साल में आपने अभी देखा कि काम करना कैसे है, कैसे है थोड़ा सा यही समस्या है। सीखा पहले थोड़ा हाँ सा। सीखा। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं देसी मुर्गी फार्म, और इन्होंने पहले डबल एफजी से स्टार्ट किया था, उसके बाद में अभी प्योर देसी में, असील में और ब्लैक एस्टलोप में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको मिलवा देते हैं जो हमारे साथ में किसान हैं, श्री राम अवतार जी। तो राम अवतार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले अपना नाम और अपना थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम राम अवतार सिंह है, गांव चोहड़पुर भगत, बस पड़ोस में थाना बसरायू है। अच्छा, तो ये अपना जिला अमरोहा है। अच्छा, जिला अमरोहा में पड़ता है। हाँ। तो ये जो अपने पीछे आपका मुर्गी फार्म दिख रहा है, आपने ये घर में गांव के बीचों बीच में बना रखा है, ये लगभग आपने कितने दिन पहले से शुरू किया था? मैं लगभग साल भर होने वाला है। अच्छा, 1 साल होने वाला है। हाँ। तो 1 साल पहले जब आपने शुरू किया था तो कौन सी नस्ल के बच्चों से आपने शुरू किया था? वो डबल एफ जी के थे। और अभी जो अपने फार्म पे दिख रहे हैं, अभी तो डबल एफ जी का दिख नहीं रहा है, अभी तो टोटल प्योर असील और ब्लैक एस्टलोप और गांव वाला देसी। हाँ, कई तरह के हैं, ये देसी हैं सब। अच्छा, सारा देसी में आपने कन्वर्ट कर दिया है। लड़ाकू भी हैं। अच्छा, जो असील में होता है लड़ाकू, जो असील में लड़ाकू कई तरह के हैं। अच्छा, तो जब पहली बार में आपने शुरू किया था डबल एफ जी के साथ में, तब अपने पास में कितने बच्चे थे? वो तो ऐसे 200 बच्चे थे। 200 बच्चे थे। तो वो उसमें कोई परेशानी आई जो आपने प्योर देसी में बदला, या सिर्फ बस परेशानी तो कुछ भी ना, वो बस इतनी बात पर गौर ही नहीं दिया कि और लाम है, और थोड़े बच्चे मिलने में दिक्कत थी। हाँ, थोड़े 150 मिलते नहीं, मिलते गए नहीं, और ज़्यादा हम मंगा नहीं सकते। हाँ, तो स्टार्ट किया था। हाँ, तो आप मंगाने के चक्कर में हैं, वैसे लेंगे। अच्छा, अभी बढ़ाएंगे। हाँ, बढ़ाएंगे ज़रूर। तो अभी लगभग अपने पास में जो टोटल पीछे दिख रही है, मुर्गियाँ भी हैं, मुर्गे भी हैं, अभी लगभग टोटल बच्चा कितना होगा अपने पास? 150 के करीब में होगा अभी। अच्छा, अभी कम कर रखा है। हाँ। फार्म तो आपका काफ़ी बड़ा आपने कर रखा है, 400-500 बच्चों के हिसाब से है। हाँ, लगभग है। तो आप मंगाएंगे? अच्छा, तो अपने यहाँ से क्या बच्चा या अंडा सेल होने में कोई परेशानी आती है, या लोगों को आसपास में जानकारी हो? बस अभी जानकारी कम थी लोगों को। अच्छा। और अब जानकारी बढ़ने लगी कि वहाँ भी छोटा सा फार्म है। मतलब जैसे कि आपने शुरू किया था छोटे बच्चों से, थोड़े हाँ। बच्चों से शुरू किया था, तो अब जानकारी लोगों को हो गई आस पड़ोस में, तो इसलिए अब आप बच्चे बढ़ा सकते हो आराम से। हाँ। मार्केटिंग अपनी हो चुकी हाँ, है। हाँ, बच्चे लेने भी लोग आते हैं, और मुर्गी मुर्गा अंडे भी। अच्छा, सभी अपना यहाँ से सभी को सप्लाई हाँ, होता जान है। लगे हैं और लोग आते जाते रहे हैं। तो जैसे मान लो अपने पास में अब प्योर देसी में है और असील के भी मुर्गे दिख रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन मुर्गे आपके फार्म में दिख रहे हैं, तो अगर एक मुर्गे की मैं कीमत की बात करूं देसी वाले की, तो अपने यहाँ से किस रेट में लगभग चला जाता है? लगभग देसी तो 1000 रुपये में दे देंगे। अच्छा। 800, 1000। और जो असील है उसको भी बेचते हैं या वो? अभी मैंने बेचे नहीं है इनमें से, वैसे मैं लाया हूँ तो बहुत महंगा लाया, 3500 रुपये का लाया हूँ एक। अच्छा। हाँ, पर इसकी कीमत तो अच्छी खासी रहे है। अच्छा, असील की कीमत वही 3-4 हज़ार रुपये रहती है। हाँ, 7-7 हज़ार रुपये बताए लोगों ने। अच्छा। हाँ, पर आने वाला वक्त बताओगा, हमारे पास बच्चे हो रहे हैं तैयार असील के छोटे छोटे। ये जो छोटे बच्चे आपके दिख रहे हैं अंदर जो दाना खा रहे हैं ये वाले, ये सारा असील ही है? सारा असील ही, एक दो ही बच्चा देसी समझो उसमें। अच्छा, तो ये अपनी मुर्गियों के अंडे का हो गया? मुर्गियों के हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब आपने छोटे से काम स्टार्ट किया शुरुआत में 200 बच्चों से, और पहले इसको बेचने के बाद धीरे धीरे अंडा इकट्ठा करना, या अपने बच्चे इकट्ठा करना, या सील ले आए, उस तरह से आपने इसको बढ़ा रहे हैं। बढ़ाना चाह रहे हैं आप, बढ़ाना का तरकीब भी आ लगी है थोड़ी थोड़ी। अब मतलब 1 साल में आपने अभी देखा कि काम करना कैसे है, करना कैसे है, थोड़ा सा यही समस्या। सीखा पहले थोड़ा? हाँ, सीखा। उसके बाद अब इसको धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हो? बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे। अब तो बच्चे का टाइम है। अब तो जैसे मान के चलो अगस्त चल रहा है अपना, अब 2-3 महीने बाद अंडे की भी डिमांड आने लगेगी। तो जैसे कि आपके यहाँ मुर्गियाँ दिख रही हैं पीछे, काफ़ी बढ़िया मुर्गियाँ हो रही हैं, घूम रही हैं, तो ये भी अंडा दे रही होंगी अभी या कम चल रहा है? दे रही हैं कुछ। अच्छा, अभी सब ना दे रही, और कुछ जो है मुर्गियाँ फिर हम लाएँगे ठंड में। मतलब ठंड के लिए, अंडे की डिमांड के हिसाब से ठंड पड़ेगी, तो उसमें आप मुर्गी लेके आओ, लेके आएंगे जरूर। तो अच्छा, अब मैं बात करूं, आपने जब ये शुरू किया था तो आपको मतलब ये गांव के बीचों बीच में जैसा आपने खोला, ये कैसा आया आइडिया, कैसा आया कि हाँ गांव में मुर्गा फार्म खोला जाए? बस वैसे ही बैठे बैठे वो मोबाइल पर देख रहे थे, तो मोबाइल पर देख देख के बाद में ध्यान आया, चलो मुर्गी भी पाल सकते हैं क्या हम। अच्छा, मोबाइल पर यूट्यूब देख के ही आपने? हाँ, ये सोचा मैं तो चलो डाल के देखें, और फिर सही लगा। तो आप 1 साल से लगातार कर ही रहे हैं? हाँ, 1 साल से अब लगभग कर रहे हैं। वैसे तो इनमें रहने में मजा सा भी आ रहा है थोड़ा सा। हाँ। सही है, मतलब देखो आदमी अभी यह है घर में भी पूरा दिन जी टाइम पास करेगा, उससे अच्छा जी कुछ ना काम घर से। यहाँ मैं बढ़िया हूँ इस जगह पर, मेरी उम्र बढ़ सकती है, घटने की नहीं। नहीं, इनके साथ में लगे रहोगे, कुछ काम धंधा चलता रहेगा अपना, 2 पैसे भी आएंगे और अपना
टाइम भी बर्बाद नहीं हो, टाइम भी बर्बाद ना होने का, इधर बैठ उधर बैठ से बचा हुआ, और मैं यहाँ आराम से रहता हूँ, मुझे बढ़िया लगे। तो ये अपना घेर बना रखा है एक टाइम से आपने, तो यहीं पे आपने मुर्गी फार्म चला रखा। तो अगर अच्छा बात करें हम आपके, तो काफ़ी जगह दिखाई दे रही है, खेत भी अपना साइड में, और ये घास वगैरह में भी घूमते रहते हैं। तो अभी दाने में आप इनको क्या कंपनी वगैरह का दाना खिला रहे हो या घास फूस और अपना? तो कुछ पहले खुलाया और अब तो हम गेहूँ दे दे, मैं इन्हें चावल की कनकी दे दे मैं, और अब से पहले बाजरा भी दे देते थे, अब बाजरा ना दे रहे गर्मी की वजह से, गर्मी है थोड़ा तो हाँ हो सकता है। और छोटे बच्चों के लिए दाना चल रहा है जो कंपनी का दाना। अच्छा, छोटे बच्चों को आप दाना खिला रहे हो, मान लो उसकी ग्रोथ ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद बाकी बड़े जो बच्चे हैं गेहूं वगैरह या बाहर चुग रहे हैं, घास चुग रहे हैं खूब, प्योर देसी में अपना फ्री रेंज में पल रहा है, फ्री रेंज है ये, सब में घूमते रहे हैं। तो इसमें अभी मैं बात करूँ ब्लैक एस्टरलोब की भी, आपके पास कुछ मुर्गियाँ और मुर्गे दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो नस्ल है ब्लैक एस्टरलोब, इसके बारे में तो कहा जाता है जो अंडा बहुत ज़्यादा देती है। तो हैं अभी इन्होंने दिया नहीं है अंडा, अभी अंडा देना शुरू नहीं किया है, ये बात है, हमें अभी पता नहीं इसका पूरा। तो ये क्या बच्चे मंगाए थे आपने या अंडे? ये अंडे मंगाए थे, अंडे से बच्चे करवाए, अपनी मुर्गी के नीचे रखे बच्चे बनवाए। और इसके अलावा जैसे मान लो इनका अंडा अगर बच जाता है, ज़्यादा हो जाता हो, गर्मी है कोई नहीं खाता, फिर क्या करते हो अंडे का उसका? फिर उसका उसमें हमने शायद निकलवाते ही रहे मैं मुर्गियों से, और कुछ और जुगाड़ भी करा पर वो सक्सेस ना हुआ। अच्छा, इंक्यूबेटर वाला जो छोटा जुगाड़ आपने किया वो सक्सेस नहीं हुआ, कोई नए आदमी थे और उस हिसाब से उसको आप चला नहीं पाए, चला नहीं। तो उसके मतलब कुछ मीटर वगैरह में कुछ खराबी रही है, कुछ दिक्कत आई, पता नहीं क्या कारण हुआ, या गर्मी की वजह से, ठंड की वजह से। उसमें कितना अंडा आपने कितनी बार रख के देखा? उसमें हमने एक बार तो हमारा बेकार सा ही गया, और अब रखा हुआ है उसमें 70-75 अंडे रख देते हम। अच्छा हाँ, चलिए होता है कई बार, देखो ऐसा है ना, नए आदमी है जी, मशीन किसी ने दे दी आपको और उसमें समस्या आ गई, और दूर की मशीन है तो फिर उसमें आदमी सपोर्ट नहीं करता है कई बार। इंक्यूबेटर भाई दोस्तों, नए किसान भाई जो मुझे देख रहे हो, आपको बता दूं कि आज की डेट में ना एक इंक्यूबेटर या बिजनेस बहुत लोगों ने बना लिया है, और क्या है ऑनलाइन मंगा लिया, उसके बाद ये आदमी ने पैसे ले लिए। एक हमारे गढ़मुक्तेश्वर के बहुत फेमस आदमी है जी, उन्होंने भी मशीनों का काफ़ी काम किया हुआ है, लेकिन भाई सपोर्ट के नाम पे जीरो है वो बंदा, तो थोड़ा ध्यान रखना आप भी, ऐसे बंदे को किसी को पैसे ना दें जो आपको सपोर्ट नहीं दे सपोर्ट रहा ना दे, उससे क्या फ़ायदा फिर? और एडवांस तो भाई मैं कहना चाहूँगा आप किसी को ही ना दें, अगर आप इंक्यूबेटर ले रहे हैं या अंडा भी ले रहे हैं या कोई बच्चा भी मंगा रहे हैं, बिना जान पहचान के जी किसी को खाते में पैसे ना डालें, आज की डेट में बहुत फ्रॉड चल रहा है भाई, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें, सतर्क रहें जी। बिल्कुल, इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो आपने मशीन घर पे बनाई थी आपने? हमने मशीन ऑनलाइन नहीं थी, वैसे ही जुगाड़बाजी करी थी। अच्छा। उसी मोबाइल से देख के वैसे एक बार तो उसमें 20 तक बच्चे निकल आए थे, बाकी बस फिर बेकार चले गए। चलो दोस्तों, इनकी हेल्प करेंगे, जितनी नॉलेज हमें है मशीन बनाना हमें भी आता है, तो जो भी होगा इनकी मशीन देखेंगे बाहर चल के क्या दिक्कत आ रही है उसमें। और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे आपके मुर्गियों की, तो मुर्गियाँ जो अपने पास में है ये सारी, ये अंडा सारी सेती हैं प्योर देसी में या सिर्फ असील वगैरह की? इसमें कुछ वैरायटी ऐसी है जो देसी में ही होती हैं जो ज़्यादा अंडा सेती हैं। अच्छा, बाकी जो जैसे ब्लैक एस्टरलोब हो गए सारी मुर्गियाँ ये नहीं करती, इसलिए आपको मशीन की जरूरत है। हाँ, इसीलिए। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए जी, आपको लगभग एक साल हो गया इस काम को करते हुए, अभी तक आपको कैसा लगा? मतलब कोई ऐसा तो नहीं है जी ना आदमी आज की डेट में क्या है जी, देखो आपने यूट्यूब देख के शुरू किया था, अब आपको मुझे भी बहुत भाई देख रहे होंगे, कोई नया किसान नया बच्चा मान लो आज के डेट में जी, कोई 20-25 साल का लड़का देख के और घर से पैसा ले ले या इधर उधर से इंतजाम करके और ये काम शुरू कर दे, और वो कई बार नुकसान उठा लेता है, तो ऐसे आदमी को जी आप क्या सलाह देना चाहोगे कि जब शुरू करे, देसी से शुरू करे, डबल एजी से शुरू करे, कितने बच्चों से शुरू करे, क्या कहना चाहोगे उसके उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बस जो कोई ऐसा काम करना चाहो तो थोड़ा सा शुरू करके उसके समझ में आवे तो उस काम को बढ़ा ले, अगर उसके समझ में नहीं भर रहा बात तो उसे आदमी ख़त्म भी कर सका है। पर हाँ, हिसाब तो ज़्यादा डाल दी तो बहुत मुश्किल हो जाता है बेचारे। और फिर ऐसा है, अब पहले मैंने सब सामान खरीदा था, अब मेरे पास जो बच्चे हैं अब ये अपने यहाँ पे बच्चे हैं जो मैं पहले खरीद खरीद का लाया था, कई कई तो अपने ही अंडों से बच्चे तैयार हो रहे हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री में चल रहा है बस, फ्री में ये बच्चे सब मेरे में इनमें से ही हैं। तो अंडा जो अपने यहाँ अगर हम बात करें, अभी तो गर्मी चल रही है खैर, वैसे अंडा अपने यहाँ लगभग क्या रुपये में बिक जाता है? ये लोग तो वैसे अब तो खैर कम ले जा रहा है कोई, तो मैं किसी बात भी दे दूँ जो भी ले जा, यानी तो यहाँ तो 15 रुपये में तो चला जा रही था। अच्छा, 15 में चला जाता है, और सर्दी में तो ठीक ही रेट रहता है? हाँ, ठीक ही रेट रहता है सर्दी में, तो अब लोग जाने लगे हैं, यानी पहले अब लोग याद कराए इनको, भाई हमें पता नहीं था इस बात का यहाँ पे कि आपका यहाँ पे मंडी धौरा या अपना कैसरा के पास में बछराओं के पास में फार्म भी फार्म है, अंडे मिल जाए या बच्चे मिल जाए। चलो भाइयों, देखो जैसा कि इन्होंने एड्रेस बताई दिया है, गाँव चौड़पुर है और बछराई और मंडी धौरा से लगभग 6-7 किलोमीटर पड़ेगा,
और बाकी किसी को अगर अंडा मुर्गा मुर्गी बच्चा लेना हो तो आपके यहाँ मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों को दी। और जैसा कि आप नए किसान थे, आपने शुरू किया, उसके बाद जो सच्चाई वाली चीज़ थी आपने वो बताई कि किसान भाइयों को जब शुरू करना है तो थोड़ा थोड़े से करें, थोड़े सी करके देखें, अब उसको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और समझ में आ जाएगा, वो दिक्कत ना माने अगर किसी बात की, दाना कैसे खुलाना, हमें कम से कम खर्चा कर लेवे दाने में, ये तो हरी घास खा के भी बहुत काम कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और बाकी दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी जो ग्राउंड लेवल पर सच्चाई है, ऐसे किसान भाइयों से, भाई देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़े फार्म में जाके आपको वीडियो शूट करके दिखाने वाला हूँ, जो गांव लेवल पर जुड़ा हुआ है, जो एक्चुअल में सच्चाई है कि मुर्गी फार्म में कुछ फ़ायदा है कि नहीं है। अब आप वीडियो तो बहुत सारे देखते होंगे जिन्हें लाखों कमा लिए, साल भर में 10 लाख कमा लिए, 20 लाख कमा लिए, तो वैसी वीडियो भाई देखो हम किसी की नहीं बना सकते हैं ना जी। आपको किसी ने पैसा दिया और आप जो मन चाहे वो बोल दो, तो जो ग्राउंड लेवल के आदमी उनसे मिलवाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद।